समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जब अमृत निकला था उसके साथ कोई जहर भी था, वो जहर शिव जी ने अपने गले में रख लिया था और उसको नीलकंठ कहते हैं। और आज ये कांवड़ जब गंगा जल ले कर चलते हैं तो जो देश के अंदर लोग जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और विशेष रूप से कुछ राजनीतिक दल भी फैलाने का कर रहे हैं, जो भूल जा रहे हैं कि भारतीय हैं और जो घुसपैठी हैं उनमें अंतर होता है, तो शायद इस जल के माध्यम से कांवड़ उनका जो पाप है उसको धो देंगे। अब मैं इतना ही कहूँगा कि जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं वो महागठबंधन नहीं है, वो महादंगल बंधन है। अब ये दंगल होने वाला है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री इसकी लड़ाई पहले तो कर लें, बनेंगे नहीं मगर राहुल गांधी बनेंगे, अखिलेश बनेंगे, मायावती बनेंगे, ममता जी बनेंगी, चंद्रबाबू नायडू जी बैठे हुए, तो ये दंगल है, तो इसलिए महागठबंधन की मत बात करिए। आस्था का दर्जन हमेशा निकलता रहना चाहिए, तो इसी इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस्लाम पे भी राम मंदिर, इस्लाम पे भी कहा उन्होंने कि इस्लाम जब जब आता है लव जिहाद लव और देखिए ये किसी व्यक्तिगत होता है, सरकार ऐसे मत नहीं रखते हैं। राम मंदिर में किसका स्टैंड होना चाहिए? जो आपका स्टैंड है वो हमारा भी, हमारा जो है वो आपका भी है, देश की आस्था का है, करोड़ों की आस्था है। राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो जाके इराक में तो बनेगा नहीं, सऊदी में बनेगा नहीं, तो आस्था का विषय है तो बनना चाहिए, अच्छी चीज है। क्या लग रहा है कब तक शुरू हो जाएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है।